नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम गुरु एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे 14 अगस्त के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पे। देखिए, ये करंट अफेयर जो है आपके सभी आगामी परीक्षाओं जैसे कि यूपीएससी, पीसीएस, एसएससी, बैंक, रेलवे, सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो शुरू से अंत तक वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा क्योंकि आज के करंट अफेयर बहुत ही खास है। और देखिए, अगर आप ऐसे ही वीडियोस का यानी कि जीएस का, करंट अफेयर का और कई सारे टेस्ट सीरीज का ऑटोमेटिक नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं इस चैनल से, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन में प्रेस कर दीजिए, इससे आपको मेरे सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन ऑटोमेटिक और सबसे पहले मिलता रहेगा। और आपको जो है वीडियो को लाइक करके इसको शेयर भी कर देना है ताकि और लोग भी इस वीडियो को देख के इससे लाभान्वित हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं इस करेंट अफेयर सेशन को। और उससे पहले मैं बता दूँ आपको कि आप इस करेंट अफेयर सेशन का पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक मिल जाएगी और नीचे मेरे टेलीग्राम चैनल और फेसबुक पेज का भी लिंक मिल जाएगा। तो इन दोनों को भी ज्वाइन कर लीजिए, यहाँ पर भी कई सारे अपडेट आपको मिलते रहते हैं जॉब से रिलेटेड और करेंट अफेयर के। तो चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर सेशन। और देखिए, इस वीडियो के लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जो कि आज का क्वेश्चन आंसर होगा और वो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न होता है किसी भी एग्जाम के लिए, ठीक है। तो शुरू से अंत तक वीडियो को देखिए और आज के क्वेश्चन आंसर का आंसर जरूर दीजिए। देखिए, आज के करंट अफेयर का पहला प्रश्न है, हाल ही में किस पूर्व लोकसभा अध्यक्ष का 13 अगस्त 2018 को कोलकाता में 89 साल की उम्र में निधन हो गया। तो देखिए, इनका नाम एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इनका नाम है सोमनाथ चटर्जी, ठीक है। देखिए, ये जो है 10 बार, ठीक है, टोटल 10 बार जो है सांसद रहे। और देखिए, इनके बारे में एक खास बात है कि ये 14वीं लोकसभा जो थी, ठीक है, उसके अध्यक्ष थे। देखिए, 14वीं लोकसभा के बाद जो 15वीं लोकसभा थी, ठीक है, उसकी अध्यक्ष थी मीरा कुमार। और जो अब वर्तमान में जो 16वीं लोकसभा चल रही है, इसके अध्यक्ष हैं सुमित्रा महाजन, ठीक है। तो ये क्रम याद रखिएगा। तो आपको ये सभी बेसिक चीज़ जो मैंने आपको बताई हैं सोमनाथ चटर्जी के बारे में याद रखना है। अब बात कर लेते हैं हम पश्चिम बंगाल की। देखिए, पश्चिम बंगाल की जो राजधानी है कोलकाता, जहाँ से बिलोंग करते हैं आपके सोमनाथ चटर्जी, ठीक है, जहाँ पे इनका अभी हाल ही में निधन हुआ है। और देखिए, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी, ठीक है, और पश्चिम बंगाल के राज्यपाल हैं केसरी नाथ त्रिपाठी। तो आपको ये सभी चीज़ याद रखनी है पश्चिम बंगाल के बारे में भी। और जो सबसे खास बात यह है कि ये जो है 14वीं लोकसभा के अध्यक्ष थे, ये आपको याद रखना है। और देखिए, दूसरा प्रश्न है, हाल ही में रेल मंत्रालय ने आरपीएफ भर्ती में महिलाओं को कितने फीसदी आरक्षण देने की घोषणा की है। तो देखिए, अभी भारत के रेल मंत्री जो है पीयूष गोयल, इन्होंने घोषणा की है कि टोटल 50%, ठीक है, यानी कि 50% आरक्षण दिया जाएगा महिलाओं को आरपीएफ भर्ती में, ठीक है। आगामी जितनी भर्तियाँ होंगी अब आरपीएफ की, उसमें 50% आरक्षण मिलेगा महिलाओं को। ये परसेंटेज आपको याद रखना, ठीक है, बहुत मायने रखता है ये परसेंटेज। और अब बात कर लेते हैं हम रेलवे की। देखिए, जो आपका इंडियन रेलवे, इसकी स्थापना जो है 16 अप्रैल 1853 में हुई थी। और जो पहली ट्रेन है भारत की, ये मुंबई से ठाणे के बीच में चलाई गई थी, ठीक है। और देखिए, जो आपका रेलवे है यानी कि भारतीय रेलवे है, इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। और भारत के रेल मंत्री हैं पीयूष गोयल, ये आपको पता ही है। और तीसरा प्रश्न है, हाल ही में बाढ़ प्रभावित केरल में लोगों को बचाने के लिए दक्षिणी नौसेना कमान द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन का क्या नाम है। तो देखिए, इस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन मदद। और देखिए, इसी ऑपरेशन मदद के साथ एक ऑपरेशन सहयोग भी चलाया जा रहा है जो भारतीय सेना है, ठीक है, यानी कि इंडियन आर्मी है। तो जो नौसेना है, ये जो है ऑपरेशन मदद चला रही है, और जो आपकी थल सेना, ये जो है ऑपरेशन सहयोग चला रही है केरल में, ठीक है। और देखिए, ये दोनों, ठीक है, जो आपकी नौसेना और जो आपकी भारतीय सेना इंडियन आर्मी है, ये दोनों जो है एनडीआरएफ जो आपका है, यानी कि जो राष्ट्रीय आपदा राहत बल यानी कि एनडीआरएफ है, इसका भी वहाँ पे समर्थन कर रहे हैं। तो ये तीनों मिलकर जो है बचाव कार्य कर रहे हैं इस समय केरल में। तो आपको इस ऑपरेशन मदद के बारे में और ऑपरेशन सहयोग के बारे में याद रखना, ठीक है। ये नेवी के द्वारा और ये जो है आपका आर्मी के द्वारा स्टार्ट किया गया है केरल में, वहाँ पे जो है बाढ़ से पीड़ित लोगों को बचाने के लिए। अब बात करते हैं केरल की। देखिए, केरल जो है इसके मुख्यमंत्री है पिनराई विजयन, और केरल के राज्यपाल हैं पी सदाशिवम, और केरल की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। और चौथा प्रश्न है, किस भारतीय लेखक ने द हिंदू प्लेराइट अवार्ड 2018 जीता है। तो देखिए, इनका नाम याद कर लीजिए, इनका नाम है एनी जैदी, ठीक है। ये नाम आपको मैं बता दे रहा हूँ, हर एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है। तो द हिंदू प्लेराइट अवार्ड 2018 जीता है एनी जैदी ने। और देखिए, एनी जैदी को ये पुरस्कार दिया गया है अनटाइटल्ड वन के लिए। और देखिए, इनको पुरस्कार स्वरूप टोटल 2 लाख रुपये का राशि जो है प्रदान किया गया, ठीक है। और ये पुरस्कार किस लिए जाता है, ये भी आप जान लीजिए। देखिए, ये पुरस्कार जो है उन बेस्ट न्यू अनपब्लिश्ड और अनपरफॉर्म प्ले स्क्रिप्ट को दिया जाता है जो इंग्लिश में लिखे होते हैं, ठीक है। तो ये सभी चीज़ आपको याद रखनी है। लेकिन सबसे पहले जो है एनी जैदी का नाम रखिएगा, इनको द हिंदू प्लेराइट अवार्ड 2018 दिया गया है। और पांचवा प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य या संघ शासित प्रदेश में
पुलिस बल में आतंकवाद विरोधी अभियानों के लिए भारत की पहली महिला विशेष हथियार और रणनीति टीम यानी कि स्पेशल वेपन्स एंड टैक्टिक्स टीम, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं स्वाट, ठीक है, इसको शामिल किया गया है। तो देखिए ये स्वाट टीम जो है शामिल की गई है अभियाली में दिल्ली पुलिस में, ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। और देखिए दिल्ली की बात कर लें तो देखिए दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल जी और दिल्ली के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं इनका नाम है अनिल बैजल। तो ये दोनों पॉइंट आपको दिल्ली के बारे में भी याद रखना है। और छठा प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस यानी कि इंटरनेशनल यूथ डे जो है ये कब मनाया जाता है। तो देखिए इंटरनेशनल यूथ डे जो है ये हर साल जो है 12 अगस्त को मनाया जाता है और इसकी थीम जो है एग्जाम में पूछी जाती है। देखिए इसकी थीम है इस बार की सेफ स्पेसेस फॉर यूथ। तो देखिए एग्जाम में इससे जुड़ी केवल दो चीज़ें पूछी जाती है, पहला किस तिथि को मनाया जाता है तो 12 अगस्त को मनाया जाता है और इसकी थीम क्या रही किस वर्ष के लिए, ठीक है, यानी कि वर्तमान में अगर 2018 चल रहा है तो 2018 की थीम पूछेगा। तो 2018 की थीम है सेफ स्पेस फॉर यूथ, ठीक है। और सातवां प्रश्न है वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल सम्मेलन 2019 का नौवां संस्करण कब आयोजित किया जाएगा। तो देखिए जो नौवां संस्करण है ये 18 से 20 जनवरी 2019 तक जो है आयोजित किया जाएगा गुजरात में और इसका जो थीम है ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसकी थीम है शेपिंग अ न्यू इंडिया। तो आपको ये दोनों पॉइंट याद रखना है, ठीक है, कि वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल सम्मेलन 2019 जो है ये 18 से 20 जनवरी 2019 तक गुजरात में आयोजित किया जाएगा और इसकी थीम रहेगी शेपिंग अ न्यू इंडिया। अब बात कर लेते हैं हम थोड़ा सा गुजरात की। देखिए गुजरात जो है इसकी कैपिटल है गांधीनगर और गुजरात के चीफ मिनिस्टर हैं विजय रूपाणी और गुजरात के राज्यपाल का नाम है ओम प्रकाश कोहली और एग्जाम में आपको ओपी कोहली भी लिखा हुआ मिल जाता है तो कंफ्यूज मत होइएगा। और आठवां प्रश्न है हाल ही में विप्रो ने किन तीन राज्यों में आर्थिक रूप से कमजोर परिवार की लड़कियों को उच्च शिक्षा के लिए संतूर महिला छात्रवृत्ति शुरू की है। तो देखिए ये तीनों राज्यों का नाम आप रख लीजिए, ये तीन राज्य आपके हैं कर्नाटक आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, ठीक है। यहाँ पर विप्रो ने जो है आर्थिक रूप से कमजोर परिवार की लड़कियों को उच्च शिक्षा के लिए संतूर महिला छात्रवृत्ति शुरू की है और देखिए इस योजना के द्वारा जो है इन तीनों राज्यों में जो है लगभग 900 लड़कियों को जो है लाभ दिया जाएगा, ठीक है, संतूर छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी जिसमें प्रत्येक वर्ष जो है स्नातक स्तर पर इनको जो है पढ़ाई करने के लिए 24,000 रुपये जो है छात्रवृत्ति के रूप में जो है दिए जाएंगे। तो ये चीज़ याद रखना है कि विप्रो जो है कर्नाटक आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की लड़कियों के लिए, ठीक है, जो ग्रेजुएशन करना चाहती हैं जो स्नातक की पढ़ाई करना चाहती हैं उनके लिए जो है संतूर महिला छात्रवृत्ति शुरू की है, ठीक है, और इसका रजिस्ट्रेशन भी अभी स्टार्ट हो गया है। तो जो लोग तेलंगाना आंध्र प्रदेश और कर्नाटक से बिलोंग करते हैं वो जो है रजिस्ट्रेशन कर लेंगे और इसमें कुछ मतलब क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया होगा, उसके बाद जो है आपको सेलेक्ट किया जाएगा इस संतूर महिला छात्रवृत्ति योजना के लिए, ठीक है। अब बात कर लेते हैं विप्रो की। देखिए विप्रो से जुड़ा हुआ कोई ना कोई एक प्रश्न एग्जाम में जरूर पूछ लिया था, ठीक है। सबसे अधिक एग्जाम में क्या पूछा गया कि विप्रो के वर्तमान में ओनर कौन है, तो ये हैं अजीम प्रेम जी, ठीक है। और देखिए विप्रो की बात कर लेते हैं। देखिए विप्रो जो है आपका एक भारतीय इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सर्विसेज कॉरपोरेशन है जो कि सॉफ्टवेयर वगैरह का निर्माण करती है और देखिए विप्रो जो है इसकी स्थापना 29 दिसंबर 1945 को हुई थी और विप्रो का हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में और देखिए जो विप्रो के ओनर हैं अजीम प्रेम जी वर्तमान में इनके पास विप्रो कंपनी का टोटल 73.25% शेयर है, ठीक है। और देखिए विप्रो के दो फाउंडर्स हैं, पहले आपके हैं MH हसन प्रेम जी और दूसरे हैं मोहम्मद प्रेम जी, ठीक है। तो विप्रो के बारे में आपको ये जानकारी याद रखनी है। सबसे ज़्यादा एग्जाम में क्या पूछा जाता है इसके ओनर का नाम, इसके ओनर हैं अजीम प्रेम जी, ठीक है। तो अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए लाइक करने से क्या होता है जो वीडियो बनाने वाला होता है जैसे कि मैं, ठीक है, तो उसका कॉन्फिडेंस जो है ये हाई होता है, वो और भी अच्छे अच्छे वीडियोज़ आपको जो है प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए फिर आगे बढ़ते, ठीक है। और देखिए जो नवा प्रश्न है आज का ये है किस राज्य सरकार ने 13 अगस्त 2018 को राज्यभर में संपत्ति पंजीकरण के लिए तत्काल सेवा नामक पहल शुरू की है। तो देखिए ये पहल शुरू की गई है पंजाब के सरकार के द्वारा और पंजाब में वर्तमान में कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार है, ठीक है, ये मुख्यमंत्री है वहाँ के और पंजाब जो है इसकी कैपिटल है चंडीगढ़, ठीक है। और आपको बताना है कि पंजाब के राज्यपाल का क्या नाम है, मैं डेली बताता हूँ, तो आज आपको बताना है कि पंजाब के राज्यपाल का क्या नाम है। तो देखिए ये सभी चीज़ आपको याद रखना है आपको, ठीक है, लेकिन सबसे पहले याद रखना है कि तत्काल सेवा नामक एक पहल जो है स्टार्ट किया गया है संपत्ति के पंजीकरण के लिए पंजाब में। और दसवां प्रश्न है हाल ही में किस प्राधिकरण ने RUCO यानी कि रुको यानी कि रीपर्पज यूज्ड कुकिंग ऑयल पहल शुरू की है। तो देखिए ये शुरू किया गया आपके भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के द्वारा। देखिए इस फैक्ट को समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। देखिए यहाँ पे बात हो रही है जो आपके तेल होते हैं, ठीक है, देखिए यहाँ पे कढ़ाई आपको दिख रहा होगा, ठीक है, तो इससे आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा। देखिए जो तेल वगैरह होता है जो तलने वलने के बाद पकौड़ा छानने के बाद कुछ तेल वगैरह जो होते हैं वो खराब हो जाते हैं, ठीक है,
तो उनका यूज़ जो है कुकिंग, मतलब एक बार दो बार तीन बार चार बार यूज़ करने के बाद जो है एकदम बिल्कुल कचरा हो जाता है वो, तो उसको लोग क्या करते हैं नालियों में बहा देते हैं। तो उसी रीयूज ऑयल की बात हो रही है, ठीक है। तो अब जो है ये आपका तेल जो है रीयूज तेल जो है ये अब नालियों में नहीं बहेगा। अब जो भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने कहा है कि अब हम इस तेल को खरीदेंगे और इससे हम जो है बायोडीजल का निर्माण करेंगे, और इस बायोडीजल के निर्माण के लिए अभी हाल ही में FSSAI जो है इसने पार्टनरशिप किया है बायोडीजल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के साथ, ठीक है। और इसके साथ में जो है इसने फूड इंडस्ट्री, जो कई सारी फूड इंडस्ट्री हैं भारत में, ठीक है, इनके साथ भी जो है समझौता किया है ताकि इस तेल को खरीदा जा सके और इसको प्रोसेस करके जो है बायोडीजल का निर्माण किया जा सके, ठीक है। तो आप याद रखिएगा कि जो रुको यानी कि रीपर्पज यूज कुकिंग ऑयल पहल है ये शुरू किया है भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने। देखिए अब इस प्राधिकरण के बारे में जान लेते हैं। देखिए जो आपका फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, इसकी स्थापना जो है अगस्त 2011 में की गई थी, और ये जो है फूड सेफ्टी के सेक्टर में काम करता है यानी कि खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में काम करता है, और ये जो है भारत सरकार के कार्य क्षेत्र में आता है, और देखिए इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है, और इसकी जो पेरेंट एजेंसी है ये आपका है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। तो देखिए ये अलग से आपका एक क्वेश्चन तैयार हो गया कि जो आपका फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया है ये किस मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है, तो ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंतर्गत जो है काम करता है, ठीक है। और 11 प्रश्न है 2018 का रोजर्स कप किस खिलाड़ी ने जीता है, तो देखिए 2018 का जो रोजर्स कप है ये राफेल नाडाल ने जीता है, और राफेल नाडाल जो है ये आपके स्पेन के टेनिस खिलाड़ी है, ठीक है, याद रखना है राफेल नाडाल जो है ये स्पेन के टेनिस खिलाड़ी हैं और इन्होंने जीता है 2018 का रोजर्स कप। और देखिए इन्होंने ये खिताब जीता है यूनान के स्टीफानोस सिसिपास को हराकर। तो आप याद रखिएगा 2018 का रोजर्स कप राफेल नाडाल ने जीता। और 12 प्रश्न है भारत की स्थिति को अपना दूसरा चंद्र मिशन चंद्रयान 2 लॉन्च करेगा, तो देखिए इसके बारे में मैं पूरी डिटेल में आपको बताता हूँ, जितनी चीज़ें बताऊँगा वो सभी चीज़ याद रखेगा, इससे ज़्यादा आपको अभी नहीं जानना है। देखिए जो चंद्रयान 2 है, ठीक है, इसको लॉन्च किया जाएगा 3 जनवरी 2019 को, और देखिए इस मिशन की टोटल लागत होगी 800 करोड़ रुपये, और इसको लॉन्च किया जाएगा GSLV-MK3 के द्वारा, ठीक है। और देखिए इस चंद्रयान 2 को जो है लॉन्च किया जाएगा चंद्रमा की स्थलाकृति, खनिज विज्ञान और चंद्रमा का एरोस्फीयर जो है इस पर डाटा को एकत्र करने के लिए। तो आप चंद्रयान 2 के बारे में ये तीनों पॉइंट जो मैंने आपको बताया, ठीक है, ये याद रखना है, इनमें से कुछ भी एग्जाम में पूछा सकता है, ठीक है। और सबसे पहले इसकी डेट याद रखनी है, 3 जनवरी 2019 को जो है इसको लॉन्च किया जाएगा इसरो के द्वारा। अब बात करते हैं हम इसरो की। देखिए इसरो का पूरा नाम है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, और इसरो के जो वर्तमान अध्यक्ष हैं इनका नाम है के शिवान। तो ये थे आज के करंट अफेयर, और अब बात कर लेते हैं हम कल के क्वेश्चन आप देखिए। देखिए कल मैंने आपसे पूछा कि 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो देखिए ये थे आपके YB रेड्डी, ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। और देखिए आज का क्वेश्चन आप ये है, निम्नलिखित में से किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस यानी कि वर्ल्ड टाइगर डे मनाया जाता है, ठीक है, तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए कि किस तिथि को जो है वर्ल्ड टाइगर डे मनाया जाता है, ये आपके सभी आगामी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। तो इसी के साथ आज का करंट अफेयर यही समाप्त होता है, फिर मिलते हैं कल के करंट अफेयर के साथ, ठीक है, तो हैव ए नाइस डे, थैंक यू। और देखिए आप जो है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है, और लाइक करके इसको शेयर जरूर कर दीजिएगा जो आपके व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप हैं उनमें, ठीक है। और देखिए जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे ताकि मेरे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन उनको जो है आराम से और ऑटोमेटिक मिलता रहे, ठीक है। तो इसी के साथ हैव ए नाइस डे, थैंक यू।